सत श्री अकाल दोस्तों, सारी दुनिया जड़ी जंग लड़ रही है, हिंदुस्तान ये जंग जीत सकता है। कुछ लोग जड़ियाँ गलतियां कर रहे अगर जे ना करन, पर ये जंग तो आप जीती जानी है। पर कुछ जंगा असी जीत चुके हैं जड़ियाँ सानू पता ही नहीं। साडा प्रदूषण दे करके साडा मौसम खराब सी, ठीक हो गया, नीला आकाश नज़र आना शुरू हो गया, पंजाब तो हिमाचल के पहाड़ नज़र आने शुरू हो गया, फुल खिड़ते नज़र आते हैं, कोयलां कुकदियां नज़र आदियाँ, तो हम आकाश वाल देखिए तो पंछी भी उड़ते नज़र आते हैं। तो दोस्तों इन्ना वधिया मौसम है, इन्ना वधिया माहौल है, पर जिहड़ी असीं लड़ाई लड़ रहे हैं ये करके मन फिर उदास है। इहो जिहा मौसम देख के मन खुश नहीं हो रहा। तो सतजीत सिंह जी जिहड़े कि बहुत ही वधिया राइटर ने, वो अपनी कविता विच इहदे बारे कुछ कहना चाहते हैं। आओ सुनो, देखते हैं जी। मेरे कमरे की खिड़की चों हरे पत्ते नज़र आउंदे, बिना गर्दे तो हरियाली हवा विच टाण लहर आउंदे, कोई कहिंदा है यमुना दा पानी साफ लगदा है, किसी ने घर दी छत तो अज तौला तार दिसदा है, नीले आसमान विच चंद तारे टिमटिमाउंदे ने, कई विसरे हुए पंछी भी अजकल नज़र आउंदे ने, इस महामारी ने सब नू घर दे विच ही कैद कर दिता, कि बहुत वस्तां करी बेलोड़ियां ये ज्ञान कर दिता, असी बेबस हाँ ये मुश्किल बड़ी पुरजोर है यारो, असी बेबस हाँ ये मुश्किल बड़ी पुरजोर है यारो, एटम बम बना लेने पर बहुत कमज़ोर हाँ यारो, जात धर्म मुल्कां दियां हद्दां हुण ते भुल जाइए, दात धर्म मुल्कां दियां हद्दां हुण ते भुल जाइए, तुरों आवाज़ आई जापदी है हुण ते सुन लईए, तुरों आवाज़ आई जापदी है आओ सुन लईए। Thank you.